भजन संहिता अध्याय 83। भजन संहिता अध्याय 83। हे परमेश्वर मौन न रह, हे परमेश्वर चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इसराइल का नाम आगे को स्मरण न रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तम्बू वाले और इश्माएली, मुआबी और हुगरी, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिश्ती है। इनके संग अश्शूरी भी मिल गए हैं, उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। इनसे ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से और किशोन नाले में सीसरा और याबिन से किया था, जो इंदोरे में नाश हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। इनके रईसों को ओरेब और जायब से रिखे और इनके सब प्रधानों को जेबह और समुनाह के समान कर दे, जिन्होंने कहा था कि हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाएंगे। हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली व पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। उस आग की नाई जो वन को भस्म करती है और उस लव की नाई जो पहाड़ों को जला देती है, तू इन्हें अपने आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर कि ये यहोवा ये तेरे नाम को ढूंढे, ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे। इनके मुंह काले हो और इनका नाश हो जाए, जिससे यह जान ले कि तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है।